और फ्रेंड्स मैं कोई भी क्रीम जो है मैं अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्राई स्किन है फेस का, तो कोई भी क्रीम जो है मुझे सूट नहीं करता है। एक टाइम था जो मेरे फेस पे बहुत सारे रैसेज हो गए थे, दाने हुए थे, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं एक डॉक्टर को दिखाई थी अपने डॉक्टर को, और फिर जो है वो कुछ क्रीम मुझे सजेस्ट किए थे फेस वाश, तो उसको मैं लगा रही थी, लेकिन उससे मुझे जो है कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर मैं छोड़ दी। और अब जो है मैं नाइट में जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ अपना स्किन केयर कैसे करती हूँ, तो वही चीज़ मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, और फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आप लोग टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि आज मैं सभी के लिए क्या लेके आई हूं। तो जी हां, मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं फेस वॉश करके आई हूँ, और फेस जो है अच्छे से तौलिया से पोंछ ली हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैं जो बाल मेरे हैं हेयर उनको जूरा बना कर क्लेचर लगा रही हूँ, जिससे बाल आगे नहीं आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जूरा हमारा बन गया है। फिर अब मैं इस पर गुलाब जल अप्लाई करूँगी, तो आपको मैं दिखाती हूँ गुलाब जल अपना, ये देखिए ये, और इसी में कम 4-5 बूंद जो है मैं अपने हाथ पे लेके, ये आप देख सकते हैं ऐसे, ऐसे रख करके अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर लूँगी, फेस पे लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे कॉटन से भी लगा सकते हैं। और ये जो है गुलाब जल जो है फ्रेंड्स टोनिंग का काम करता है। गुलाब जल जो है आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मेरा जो है डाबर गुलाबरी का, इसका ये जो है छोटा वाला शीशी है, बड़ा वाला था मेरे पास तो ख़त्म हो गया, तो इसी को लगा रही हूँ। और मैं गुलाब जल जो है हमेशा लगाती हूँ अपने फेस पे, तो गुलाब जल लग गया। आप इसको जो है आप छोड़ सकते हैं 5 मिनट के लिए, जिसे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन मैं ऐसे ही हाथ से हल्का हल्का मसाज कर दे रही हूँ, टैप कर दे रही हूँ, तो ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं कोई भी क्रीम जो है मैं अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्राई स्किन है फेस का, तो कोई भी क्रीम जो है मुझे सूट नहीं करता है। एक टाइम था जो मेरे फेस पे बहुत सारे रैसेज हो गए थे, दाने हुए थे, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं एक डॉक्टर को दिखाई थी अपने डॉक्टर को, और फिर जो है वो कुछ क्रीम मुझे सजेस्ट किए थे फेस वॉश, तो उसको मैं लगा रही थी, लेकिन उससे मुझे जो है कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर मैं छोड़ दी। और अब जो है मैं नाइट में जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ अपना स्किन केयर कैसे करती हूँ, तो वही चीज़ मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये गुलाब जल जो है स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है, और अब जो है मैं लगाऊंगी इस पर मिनी कैप्सूल का ऑयल अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। और इससे जो है मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, जितने भी मेरे फेस पे रैसेस थे तो वो सब जो है ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, यहाँ भी देखिए पिंपल्स टाइप का था, ऐसे मतलब कई ढेर सारे हो गए थे मेरे फेस पे, तो वही मैं डॉक्टर को दिखाई थी। और यहाँ मैं आईब्रो नहीं बनवाई हूँ, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया, बहुत ज़्यादा दिन हो गया नहीं बनवाई हूँ, देखती हूँ। और इधर देखिए डार्क सर्कल भी बहुत कम है, एक जो है पिंपल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसीलिए बिटमिनी कैप्सूल यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये एवियन का है, आप देख सकते हैं, और ये 35 रुपीज़ का है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसको मसाज कर रही हूँ, ऐसे ही मसाज करना है फ्रेंड। और कभी भी आप अपने फेस पे कोई भी चीज़ लगाइएगा, तो उसको जो विटामिन का आयल जब भी आप लगाइएगा, उसको कभी भी मसाज जो है नीचे की तरफ मत करिएगा, ऐसे अपवर्ड मोशन में करिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं, ऐसे करना है। और फ्रेंड्स विटामिन ई ऑयल जो है हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिट है, इसके कई बेनिफिट है, जैसे हमारे फेस पे जो रिंकल्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है, जो डार्क सर्कल होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो भी हमारे फेस पे डार्क स्पॉट होते हैं उन सबको रिड्यूस करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और कम करता है। तो इसको जो है हम लोग बिना टेंशन फ्री अपने फेस पर लगा सकते हैं,
इससे हमारा फेस जो है बहुत शाइनिंग करता है, बहुत ग्लो आता है, आप देख सकते हो। ये आप देखिए, फेस कितना ग्लो कर रहा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा नाइट स्किन रूटीन और जो मैं आज आप लोग से शेयर की हूँ। और ये जो है स्किन रूटीन जो है फ्रेंड मैं हमेशा नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। हाँ, विटामिन ई का कैप्सूल जो हफ्ते में दो से चार बार लगा लेती हूँ और इससे जो है काफ़ी फर्क मिला है मुझे। विटामिन ई ऑयल जब मैं अपने फेस पर लगाती हूँ तो जब मुझे सोना रहता है 10 मिनट पहले ही लगा लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और तुरंत लगा के सो तो फिर क्या होता है कि मतलब इस तरह वगैरह में लग जाता है, इसलिए मैं 10 मिनट पहले लगाती हूँ। आप भी ऐसा करिएगा। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरे फेस पे और नेक पे जो है विटामिन ई जो है पूरे फेस पे लगा ली हूँ। आई पूरा जो स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है और अब मैं जो रेडी हो गई हूँ सोने के लिए। ये था मेरा नाइट स्किन रूटीन जो मैं आप लोग से शेयर की हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।